नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC के बारे में। जो SSC के CGL के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि SSC CGL के 4000 पदों पे जो ये भर्ती होने जा रही है उसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 4 जून। इसमें कौन कौन से पद हैं वो आपको बता देते हैं। तो इसमें पद हैं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, विभागीय लेखाकार, सहायक लेखा अधिकारी, लेखा परीक्षक लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, वरिष्ठ सचिवालय सहायक, कर सहायक, सहायक निरीक्षक सहायक, अधीक्षक निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और निरीक्षक सहायक प्रवर्तन अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, जूनियर सांख्यिकी अधिकारी इत्यादि। ये इतने सारे पद हैं और इसमें जो रिक्तियों की पद है वो 4000 आपको बता दिया है। वेतनमान है इसका वह ग्रुप बी पोस्ट के लिए है 9300 से 34800 तक, और जो समूह सी है उसके लिए है 5200 से 20200 तक। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो शैक्षिक योग्यता वो क्या चाहिए, वो है आवेदक के पास एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री होना चाहिए, यानी आपके पास कॉलेज की डिग्री होना चाहिए। अगर स्टूडेंट है वो अंतिम वर्ष परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवार SSC CGL 2018 परीक्षा के लिए उपस्थित होने के पात्र हैं। जिस कैंडिडेट्स ने कॉलेज की सेकंड ईयर पूरा कर लिया और वो थर्ड ईयर में है वो भी इस SSC परीक्षा के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पूरा नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता है, वो है भारतीय। आयु है दोस्तों इसमें आपको, वो है उम्मीदवार को SSC CGL 2018 परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए 20 से 30 साल की उम्र चाहिए, ठीक है। आयु में छूट है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग जो PWD और महिलाओं को छूट सरकार के नियमानुसार दी जाएगी, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 3 साल की है और SC ST के लिए 5 साल की, और जो PWD जो कैंडिडेट हैं और भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, उनको 10 साल की इसमें छूट मिलेगी। और नौकरी का जो स्थान है वो इस जॉब भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को भारत में नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया है वो होगी आपकी चयन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा, पेपर फर्स्ट होगा, उसके बाद में पेपर सेकंड पे आधारित होगा, ठीक है। परीक्षा लगातार 4 चरणों में आयोजित की जाएगी, जैसे कि टीयर फर्स्ट 200 अंक का होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, और जो सेकंड जो पेपर होगा वो होगा 800 अंक का। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है, और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और इकोनॉमिक से संबंधित क्वेश्चन अभी आपको इसमें मिलेंगे। और इसके बाद में टीयर जो थर्ड है वो होगा 100 अंक का। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर मिलेगा जो कि हिंदी एसे और जो पैसेज आते हैं वो आपको इसमें करना होगा, लेटर अप्लीकेशन आदि, ठीक है। टीयर जो फोर्थ होगा इसमें और लास्ट होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। आवेदन जो शुल्क है वो सामान्य OBC के लिए 100 रुपये, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, SBI बैंक चालान के माध्यम से जो पेमेंट है वो कर सकते हैं, और SC ST महिला और पूर्व जो सैनिक है उनके लिए कोई इसमें शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं इसमें लगेगी। आवेदन आपको किस प्रकार करना है, तो इस भर्ती में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक SSC CGL 2018 अधिसूचना जो वेबसाइट है SSCOnline.NIC.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। आवेदन के बाद उसका प्रिंट आउट आगामी प्रक्रिया के लिए अपने पास सुरक्षित ज़रूर रखिएगा। महत्वपूर्ण जो तिथि है वो है ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की जो आखिरी जो करने की जो तारीख है वो 5 मई से फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। चालान के माध्यम से शुल्क अगर आप जमा कराते हो तो 5 जून 2018। कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा इसकी होगी, वो पेपर फेस्ट है वो होगा 25 जुलाई से 20 अगस्त 2018 तक, और जो टीयर सेकंड
है जो पेपर सेकंड है वो 27 से 30 नवंबर 2018 तक होगा, ठीक है। इस प्रकार ये जो पेपर हैं वो होंगे। आगे जो इसकी प्रक्रिया चलेगी उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस प्रकार जो आगे की प्रक्रिया है वो होती रहेगी। तो अब तक हमने आपको बताया है कि जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं और किस प्रकार आपको फॉर्म अप्लाई करना है, इसके लिए आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन लिंक, अप्लाई लिंक, दोनों लिंक आपको नोटिफिकेशन में है वो मिल जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, पास सब्सक्राइब के पास में ही बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद रखते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है और तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में जो SSC में रुचि रखते हैं, SSC की जो फॉर्म है CGL के लिए उसमें रुचि रखते हैं, तो उनके पास में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो फॉर्म है वो अप्लाई कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सवाल व सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके हर कमेंट का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।